कांवड़ यात्रा के दौरान यूट्यूब सिंगर फरमानी नाज हर हर शंभू भजन गाकर सुर्खियों में छा गई हैं। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि फरमानी नाज कौन है और उन्होंने हर हर शंभू गाना क्यों गाया। पूरी कहानी जानिए उन्हीं की जुबानी। फरमानी जी, आप एक सिंगर है, किस तरह आपको शौक लगा और कैसे आपने मेहनत की बताइए? जी, मेहनत तो बहुत करी है और शौक भी था गाने का, लेकिन कहीं इतना मौका नहीं मिला मुझे गाने का कि मैं कहीं गा पाऊँ, क्योंकि घर गृहस्थी, हम तो गांव में रहने वाले लोग हैं, इतने गरीब लोग थे कि माँ बापों ने कभी चाहा ही नहीं कि मैं कहीं जाके गाऊँ। तो आपको तो पता गाँव कैसा हो, बस लड़की बड़ी हुई और बस शादी कर दो, घर गृहस्थी में डाल दो। फिर ससुराल से बात बिगड़ी, हस्बैंड दूसरी लड़की से बात करते थे, लड़का ऐसा हो गया कि उसके हलक में इतनी प्रॉब्लम बिचारे के, तो लेके उसे घर आ गए। इंतज़ार भी किया अपने ससुराल वालों का कि भाई आ जा लेने, तो कई महीने बीत गई हुई तो कोई उनका था पता नहीं, बच्चे का ऑपरेशन करवाया ना वहाँ कोई देखने आया। तो मेरा भाई था फरमान बेचारा, नहर में रेत निकाल लेता, मेरे बच्चे को दूध का डिब्बा ला के देता क्योंकि वो उसके हलक में प्रॉब्लम थी तो दूध नहीं पी पावे था, तो डिब्बे का दूध पी के पला भरा। फिर ऐसे ही अपने वीडियो बनावे थे राहुल भाई अपने चैनल पे, उन्होंने मेरी वीडियो डाली, हीरांझा का सॉन्ग था जो मैंने चूल्हे पे अपना सबसे पहला गाना गाया लता जी का, जो इतना वायरल हुआ कि पब्लिक को इतना अच्छा लगा कि इतना वायरल हुआ, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला मुझे। जी, जो आपके पति थे आपको छोड़ने का कारण ये था कि आपका जो बच्चा था जी वो दूसरी लड़की से बात कर रहे थे फ़ोन पर। फिर जब मैं अपने घर पे आ गई बच्चे को लेके कि भाई क्या पता समझ आ जाए अपने बच्चे की मोहब्बत आ जाए, फिर मुझे पता लगा कि उन्होंने तो शादी कर ली। फिर डिमांड भी आपसे किसी तरह की जा रही थी? जी, डिमांड तो जब लड़के के प्रॉब्लम थी हलक में तो बस यही कर रहे थे कि भाई इसके ऑपरेशन के पैसे लाओ, घर से लाओ पैसे, क्योंकि डॉक्टर ने बहुत पैसे बता देते ऑपरेशन के, हलक फटा हुआ था उसका, नाक का मुँह का रास्ता एक था बिल्कुल। तो मैं कहूँ थी भाई मेरे माँ बाप कर्जा करके तो मेरी शादी करी, कैसो कैसो भला मैं कहाँ से लाऊं। फिर और दुखी करने लगे उनको, उनका बहाना मिल गया। फिर मैं घर पर आ गई तो कुछ आता पता लिया ही नहीं, कुछ दिनों के बाद उन्होंने शादी कर ली। फिर वहाँ तो जाने का आसरा ही खो गया, फिर अपने ऊपर वाले ने आवाज़ दे रखी थी तो वीडियो बनाने लगी। आप इंडियन आइडल में गए थे, वहाँ से इंडियन आइडल आपको बीच में छोड़ के आना पड़ा, क्यों? जी, मुझे गोल्डन टिकट मिल गया था अगले राउंड के लिए और मेरे लड़के का जो था ऑपरेशन था, तो इस वजह से हम दोनों बहन भाई गए थे फरमान, तो वह घर वापस आ गए थे क्योंकि अपने बेटे का ऑपरेशन करवाया था मैंने। अच्छा, तो एक बच्चे की वजह से बीच में छोड़ के आना जी आना पड़ा, अगले राउंड में भी जा नहीं पाई थी, गोल्डन टिकट भी बस यूँ ही रह गया, जब बच्चे से अच्छा तो कुछ होता ही नहीं, तो इसलिए अपने बेटे के ऑपरेशन के लिए मैं घर पे आ गई थी। हर हर शंभू गाने पर देवबंद के उलेमा उनसे नाराज हो गए हैं। फरमानी नाज ने कहा है कि सावन में मैंने गाना गाया था जो अच्छा चल रहा है, हम कभी भी ये सोच कर नहीं गाते हैं कि हम किस धर्म से हैं, कलाकारों का कोई धर्म नहीं होता,